देखिए, 7 दिसंबर 2022 को मैंने लोकसभा में यह मामला उठाया था। तब तक 120 दिन ये 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के बहुत ही उच्च अधिकारी हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 120 दिन के लिए रखा गया था। मेरे उस जीरो आर के इंटरवेंशन का जवाब डॉक्टर जयशंकर ने एक खत के माध्यम से दिया 26 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने वेवरा दिया कि भारत सरकार क्या कर रही है इनको मदद पहुंचाने के लिए। पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर भारत सरकार कुछ कर रही होती तो 9 महीने के बाद उनको या 10 महीने के बाद मौत की सजा थोड़ी सुनाई जाती। आज तक ना इस मुल्क को मालूम है, ना उनके परिवारों को मालूम है, ना इस देश को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है, किस तरह का की ये कानून व्यवस्था है और किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सजा सुनाने दे और उसके बाद इस तरह के जवाब कि वी विल एक्सप्लोर और लीगल ऑप्शंस, लीगल फाइट विल गो ऑन। भैया, उन्होंने उनको मौत की सजा दे दी है और इसलिए प्रधानमंत्री को जो कतर के बादशाह हैं, जिन्हें अमीर कहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और हमारे जो 8 लोग हैं उनको वापस लेके आना चाहिए। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप हैं, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं, और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हों और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया, और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।